हेलो दोस्तों, जय कबूतर। देसी हाई फ्लाइंग पिजन्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश माणिक खंडागड़े। दोस्तों आज हम आए हुए हैं, केम छो दोस्तों, सब मजा में। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं, हमारे कुछ भाई को पता भी होगा कि हम कहाँ पे आए हुए कहाँ पे नहीं। तो दोस्तों जिस भाई को नहीं पता, मैं उनको बताना चाहूँगा। दोस्तों आज हम आए हुए हैं गुजरात में। गुजरात में दोस्तों डिस्ट्रिक्ट राजकोट के यहाँ पे, और प्लस राजकोट में दोस्तों धोराजी में। बहुत ही अच्छा प्लेस है धोराजी, बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे भी हम आपको बुलाना चाहेंगे जिनकी छत पे मैं आया हुआ हूँ, और जिन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया हुआ है मुंबई से। यहाँ पे दोस्तों टोटली 900 किलोमीटर मुंबई से यहाँ पे है, ट्रैवलिंग करके आया हूँ। टोटल 19 घंटा मुझे लगा यहाँ पे आने, बहुत अच्छा लगा ट्रैवलिंग वगैरह। तो बिना टाइम वेस्ट करे भी हम आपको लेके चलते हैं, जिनकी ये छत है उनके पास हम लेके चलते हैं। उनको प्लीज़ हम बुलाना चाहेंगे, उनका नाम है आमिर भाई, प्लीज़ उनको बुलाना चाहेंगे हम। प्लीज़ आमिर भाई। हेलो आमिर भाई, सलाम अलैकुम, कैसे आप? बढ़िया। ओके ओके, तो हमारे व्यूअर्स से कुछ बोलना चाहोगे आप? नहीं बस आकाश भाई, आप इतना दूर से आए मान के खातिर वो बहुत अच्छा लगा मेरे भाई। थैंक यू। ये सब बहुत मजा आया होगा ना भाई आपको? बहुत बहुत मजा आ गया वाकई में दोस्तों। तो अभी और किसको बुलाना चाहेंगे जो हमसे मिलने? कुछ वो जो कल जो दोस्त है ना अपने, मोहसिन भाई सब साथ में आए भाई, सब साथ में आए। और एक मेरे दूसरे दोस्त भी आए हैं, उनको भी बुलाना चाहेंगे। क्या बात है। तो बिना टाइम वेस्ट करे भी हम आपको बुलाना चाहेंगे मोहसिन भाई को। प्लीज हम मोहसिन भाई को बुलाना चाहेंगे प्लीज। हेलो, सलाम अलैकुम, कैसे हो? तो और कौन है आपके साथ भाई? जैसा दोस्त है अहमद, प्लीज अहमद भाई को भी बुलाना चाहेंगे। हेलो, सलाम अलैकुम अहमद भाई, प्लीज। अमीन भाई भी आए हैं। अमीन भाई प्लीज अमीन भाई को हम बुलाना चाहेंगे। हेलो अमीन भाई, कैसे हो? वो आपसे मिलने के लिए खास आए। अरे वाह, थैंक यू। हमारे सब्सक्राइबर, हमारे फैन दोस्त, जो कबूतर की रखवाली करते इकबाल भाई, वो भी आए। इकबाल भाई, अरे वाह। हेलो इकबाल भाई। दोस्तों ये इकबाल भाई है, ये देखो दोस्तों, ये सब है। बहुत अच्छा लग रहा मुझे यहाँ पे आके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आज जो है, आज मैं स्पेशली सिर्फ एक दिन के लिए आया हूँ यहाँ पे गुजरात में। लेकिन गुजरात में दोस्तों धोराजी के यहाँ पे इतना अच्छा प्लेस है, वो एक दिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं महीना भर यहाँ पे रह रहा हूँ। बहुत, यानी कि बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि अमीर भाई थैंक यू सो मच, क्योंकि ये सब भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू जो इतना सपोर्ट कर रहे हो मुझे, थैंक यू। और सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, और सबसे और ज़्यादा थैंक यू जो धोराजी के जो मेंबर है, क्योंकि आमिर भाई ने मुझे कल मिलाया उनसे। क्योंकि स्पेशली वो रात के टाइम पे दोस्तों, जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं, खाना खाने के टाइम पे जैसे हम नाके पे, चौक पे या कहीं गार्डन में बैठते हैं, सब अलग अलग जगह पे, तो यहाँ पे उनका एक प्लेस है। स्पेशली सिर्फ कबूतर के ही आते हैं, जो कबूतरों के उस्ताद, कबूतर जो पालने वाले, जो कम पालने वाले। तो उससे क्या होता है दोस्तों, सब महफिल बैठी रहती है। मैं कल मिला उनसे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज था उनके पास में। क्योंकि दोस्तों अगर जिस किसी भाई को कुछ कबूतर का नॉलेज चाहिए हो तो वो नॉलेज देते हैं, जिस किसी भाई को अगर कुछ अंडा नहीं देते तो वो नॉलेज बताते हैं। क्योंकि कल मैं जो मिला बहुत अच्छा लगा, और उनका स्पेशली फ़ोटो मैं आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। देखो दोस्तों, ये सब मिल के रात के टाइम पे बैठे, और भी ज़्यादा मेंबर है, टोटल 40 जने धोराजी में बहुत कबूतर बात पालते हैं। लेकिन एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत कम समय के लिए आया हूँ, तो जितना हो सके मैं उतना वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, मुस्लिम भाई कुछ बोलना चाहेंगे हमारे व्यूवर से आप? बस आपने बोल दिया तो सही, जब तो आप सरप्राइज पे दिखा ना सबको आमिर भाई कैसे कबूतर देखते हैं और सेल पे रखते हैं, और शौक कैसा है उसका, बराबर नेचर कैसा है उसका आमिर भाई का? नहीं, नेचर बोला यानी दोस्तों एकदम इनका जो स्वभाव है, एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा था आकाश भाई प्लीज़ आप यहाँ पे आओ, था क्योंकि मुंबई के बाहर कभी मैं गया नहीं था वीडियो वगैरह बनाने के लिए। ये फर्स्ट टाइम इतनी दूर आया हूँ मैं, फर्स्ट टाइम तो वैसे दोस्तों रायगढ़ भी गया था, रायगढ़ के बाद अहमदनगर भी गया, लेकिन डायरेक्ट गुजरात। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा दोस्तों, स्पेशली इतनी अच्छी खातिरदारी। दोस्तों जूनागढ़ भी इन्होंने घुमाया, बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वीडियो बनाना तो एक बहाना था, इनको तो मुझे यहाँ पे बुलाना था, सही बात, आपसे मिलना था आकाश भाई, इसीलिए बहुत अच्छा लगा दोस्तों। वाकई में जितनी बातें करूँ उतनी कमी है,
तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं एक बोलना चाहूँगा दोस्तों, सबसे पहले हम इनकी जो शौक वाले जो कबूतरी किस तरह रखते हैं, इनका जो सेटअप है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ओके दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट करे भी हम आपको लेके चलते हैं इनके कबूतरों के पास। ये देखो दोस्तों, ये इनका घर है, पूरा बड़ा टेरेस। अभी हम अंदर लेके चलते हैं आपको। ये देखो दोस्तों, ये है इनके दोस्त, इनके भाई। आपका क्या नाम है? अहमद भाई। देखो दोस्तों, हम अंदर जा रहे हैं। देखो, इन्होंने स्पेशली यहाँ से बाहर से सीढ़ी बनाई हुई है। ये देखो दोस्तों, रिटर्न ऊपर, हम नीचे से ऊपर आए। ये देखो, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे अलग से घर और स्पेशली पूरी जगह इनकी देख सकते हो आप। और एक बताना चाहूँगा, ये देखो इनका कैमरा, वो ऊपर से भी दिख जाएगा। और अभी हमें यहाँ पे ऊपर जाना है, चलो हम ऊपर चढ़ते हैं। हम आ गए ऊपर। देखो दोस्तों, ये आमिर भाई। हेलो आमिर भाई। हेलो। आप सब आसमान में देख रहे हो क्या है ऊपर? उड़ाए हुए ना आकाश भाई। अच्छा, कबूतर उड़ाए हुए? क्या बात है, दिखेंगे नहीं क्योंकि पूरे बंद कबूतर है। कोई बात नहीं। ये देखो दोस्तों, 12 उड़ाए आकाश भाई। नॉर्मल यहाँ पे है और भी कुछ बंद है। ये तो अभी उनको उतारने के लिए उड़ाए आकाश भाई। अच्छा 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 भाई। ये देखो दोस्तों, 11 तो पूरे बंद में अभी ये सब। अभी हम इनका सेटअप दिखाते आपको। ये देखो दोस्तों, ये इनका एक ब्रीडिंग सेटअप है। आमिर भाई, ये आपका ब्रीडिंग सेटअप है? जी जी आकाश भाई, ब्रीडिंग सेटअप। ये देखो दोस्तों, इनका देखो सब बच्चे वगैरह भी इसमें अभी हुए हैं। अच्छा, हम प्लीज खोल के देखना चाहेंगे। ये देखो दोस्तों, इनका रखने का अंदाज, सबका अपना अपना अंदाज, क्योंकि हमारे भाई कहते हैं कुछ कि इनका लॉफ्ट का भी शौक करा। मैं बोलना चाहूँगा आमिर भाई कि आपने जो इस तरह जो लॉफ्ट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे दरवाजा नहीं, कुछ नहीं, सब ऐसे ओपन अंदर ही। आकाश भाई, ये तो जो फ्रूट आता है ना एप्पल, हाँ एप्पल की वो, ये एप्पल का बॉक्स है। हाँ हाँ, क्योंकि आकाश भाई ये जो अपना मेरा छोटा सा लॉफ्ट है ना, सब मुझे बोलते आमिर भाई इतना बड़ा नाम और छोटा सा लॉफ्ट। सही बात, लेकिन है। ये लॉफ्ट में, छोटे से लॉफ्ट में जो बच्चे होते हैं ना आकाश भाई, हाँ हाँ, किसी भी लॉफ्ट में नहीं होते। अच्छा, बीमारी बिल्कुल कम आती है आकाश भाई ये लॉफ्ट के अंदर, छोटे से लॉफ्ट के अंदर। अच्छा, क्योंकि दूसरे कबूतर ऊपर हाँ बैठेंगे ना आकाश भाई, हाँ, तो उनका बीट नीचे वाले कबूतर पाएगा। तो ये छोटे से लॉफ्ट में ना बहुत ही बढ़िया बच्चे होंगे भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है दोस्तों। क्यों बीमारी ना, थोड़े से बच्चे भी बाहर आए हुए आकाश भाई, बड़े हो रहे। बराबर बराबर। और इनके अगर कुछ पट्टे बिट्टे अगर कुछ सेल करना हो तो? बच्चे सब सेल के लिए आकाश भाई। ये देखो दोस्तों, सब सेल के लिए। क्यों इनकी बीमारी नहीं आती मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये जो पीछे जो वेंटिलेशन यानी कि पूरा हवा आर पार जाने के लिए जो इन्होंने पुट्ठा लगाया हुआ है, ये अभी ठंडी का सीन चालू है, ठंडी का माहौल, इसलिए इन्होंने पुट्ठा लगाया हुआ है। और प्लस मैं बताना चाहूँगा, ये देखो दोस्तों, ये पूरी जाली, ये हवा पास आने जाने के लिए, तो इसकी जो बीट वगैरह जो होती है, कबूतर की जो गर्माहट होती है, सब बाहर जाने के लिए, तो इसलिए कबूतर में बीमारी नहीं आती है। अभी हम आपको नेक्स्ट लॉफ्ट बताते हैं। अभी हम ये सेकंड लॉफ्ट देखते हैं। ये देखो दोस्तों, ये सेकंड लॉफ्ट, प्लीज समीर भाई खोल। ये देखो दोस्तों, ये सेकंड लॉफ्ट। हाँ बात है, ये सब आप उड़ाने के लिए वगैरह है? नहीं आकाश भाई, ये सब सेल के लिए। अच्छा, ये सब सेल भी? हाँ, ये सब सेल, जो हाई रेट के कबूतर है ना, हाँ, 2000 प्लस वाला जोड़ा, हाँ हाँ, ये सब इसमें रखता हूँ मैं, ये सब सेल के लिए। क्या बात है, देखो दोस्तों, सब सेल के लिए है। अभी तो बहुत आने वाले हैं आकाश भाई, खत्म हो रहा है पूरा, ये बचे 15-20 कबूतर। अच्छा अच्छा, ये देखो दोस्तों, मतलब आपके पास कबूतर आते रहते हैं? हाँ आते रहते हैं आकाश भाई। क्या बात है, बहुत मस्त है। ये देखो दोस्तों, मुझे इनका सेटअप इसके लिए अच्छा लगा क्योंकि ये देखो दोस्तों, इनका ये इस तरह पूरा ओपन है। ओपन होने के साथ साथ ये देखो दोस्तों, ये पूरा ओपन जाली यानी कि पूरा खिड़की, वहाँ पे भी सामने भी खिड़की। ये देखो दोस्तों, उससे क्या होता है ना, कबूतर की जो गर्माहट होती है, जो बीट होती है, जो कबूतर वगैरह जो करते हैं, तो उसकी वजह से जो अगर हवा अगर बाहर पास नहीं हो पाई तो कबूतर फटाफट बीमारी में आने के बहुत चांसेस होते हैं। लेकिन इसमें देखो, हवा आसपास हो जा रही है। आकाश भाई, साफ भी नहीं किया हुआ है। अच्छा, हाँ ना, ठंडी के हिसाब से ना ये बहुत गर्म
सूख जाता फटाफट। अच्छा, इसलिए जानबूझ के साफ नहीं किया हुआ है। क्या बात है, वो बीमारी बहुत कम आती है इससे। बराबर, अभी कबूतरों ने दाना वगैरह खा लिया इसलिए सब ऐसे ही बैठे हैं। अभी हम आपको नेक्स्ट लॉफ भी बताते हैं। बन गया, ये देखो दोस्तों, इनका दरवाजा जो है ये भी पूरा ओपन वाला है, खिड़की हवा पास वगैरह होने के लिए। अभी हम आपको नेक्स्ट लॉट बताते हैं। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये कितना बड़ा जाल है, ये कितना हाइट में है आमिर भाई? 8 फुट है आकाश भाई। 8 फुट है। हाँ। ये देखो दोस्तों, 8 फुट है। अभी हम आपको इनके अंदर भी लेके चलते हैं। ये देखो दोस्तों, क्या बात है, एक नंबर। ये देखो दोस्तों, कुछ कुछ कबूतर है। ये देखो दोस्तों, सब बैठे हुए हैं। ये भी इनका सेटअप है घर का। ये हाइट में एक्चुअली इतनी हाइट इसलिए, इतनी हाइट क्यों रखे है कुछ मैं पूछना चाहूंगा। ये आकाश भाई 8 फुट इसलिए है, हाँ हाँ, दो लोग छोटे है। बराबर बराबर। और इसमें ना अभी मेरे पास जगह कम है, ये सब सेल के लिए अवेलेबल है। ये जो बड़ा लॉफ्ट है ना, मेरे घर के जो बच्चे होते हैं ना, वो इसमें मैं रखता हूँ भाई उड़ाने। अच्छा, मतलब उड़ाने, मतलब थोड़ा वो खेल सकते हैं वगैरह। तो क्या अभी ठंडी के हिसाब से सब पैक है? नहीं तो सब ऐसा ही रहता है, खुला सब ओपन रहता है, पूरा लॉफ्ट जाली वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह, देखो दोस्तों बहुत मस्त है। अभी हम इनकी जो जगह है, इनका जो टेरेस है, वो बताना चाहेंगे। प्लीज, इनकी जो सीटी वाकई में ये देखो दोस्तों, वो जो कैमराज के बारे में जो हम बता रहे थे आपको, ये देखो दोस्तों, ये सामने कैमरा है आमिर भाई, ये कैमरा लगा आप? कैमरा ऐसे आकाश भाई, क्योंकि एक साल पहले कबूतर चोरी हो गए थे मेरे भाई। अच्छा। हाँ, 58 पिजन्स चोरी हो गए थे, सब जो पुरानी नस्ल थी ना मेरे पास। हाँ हाँ हाँ। जो छापदार में मेरे वहाँ के पुराने वाले 30-35 साल पुराने। हाँ हाँ। वो पूरा चोरी हो गया मेरे भाई। अरे रे रे, 25 कबूतर उसमें से चोरी हो गया। अरे रे, इसलिए आपने ये कैमरा लगाया हुआ है। देखो दोस्तों, बहुत मस्त है। ये दोस्तों, इन्होंने ये लाइट वगैरह भी रखी हुई है। ये देखो दोस्तों, ये लाइट किस लिए है आमिर भाई? ये जो अपने कबूतर जो शाम को नहीं आ सकते ना आकाश भाई। अच्छा, रात को उतरते आकाश भाई। अरे बाप रे, पूरा छत है ना चमक वाला हो जाता है आकाश भाई, पूरा लाइटनिंग हो जाता है। क्या बात है, तीन लाइट है आकाश भाई, तीन लाइट है। हाँ भाई, तीन लाइट है। अरे वाह, ये फर्स्ट है। हाँ, सेकंड, ये फर्स्ट और सभी लॉफ्ट के अंदर है। हाँ। और एक यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे देखो दोस्तों, बहुत मस्त, पूरा टेरेस चमकदार हो जाता है आकाश भाई रात को भी। क्या बात है, देखो दोस्तों, इस तरह भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। यहाँ पे आके भी कुछ अलग अलग नया नया देखने मिल रहा है। देखो दोस्तों, इनका सिटी पूरा ओपन प्लेस, कबूतर उड़ाने बहुत मजा आ जाएगा। एक्चुअली अभी इन्होंने कबूतर उड़ा तो ऊपर अभी बास शिकरा बेरी आई हुई है, तो इनको भी डर लग रहा है। शिकार, ओहो, एक मिनट आ दोस्तों, हम आपको कोशिश करेंगे दिखाने की अगर कैप्चर हो पाए तो। आकाश भाई देखो, लाइव शिकार हो रहा है। देखो दोस्तों, बहुत यहाँ पे पूरे ठंडी में नहीं उड़ाने दिया आकाश भाई हमको, बहुत कबूतर हमारे कम हो गए भाई यहाँ पे, उनके डर से कबूतर नीचे आ गया आकाश भाई। वो एक अच्छा हो गया कि कबूतर सब उतर रहे अभी यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों तो बिल्कुल बंद है आकाश भाई। हाँ वाकई में यही होता है दोस्तों ठंडी में, इसलिए कबूतर नहीं उड़ाना चाहिए ठंडी में। गर्मी में जितना चाहिए उतना उड़ाओ, क्योंकि शिकार बहुत होता है, बाज बेरी शिकरा सब अंडे वगैरह दे देती है। हेलो दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, आपने देखे होंगे इनके कबूतर का सेटअप वगैरह किस तरह है, किस तरह, और इन्होंने भी बताया कि उन्होंने किस तरह सेटअप बनाया हुआ है, क्या है क्या नहीं। और मैं बोलना चाहूँगा कि दोराजी जो प्लेस है दोस्तों, यानी कि गुजरात में दोस्तों, राजकोट के अंदर दोराजी है एक छोटा सा गाँव, लेकिन इनके जो यहाँ पे जो मेंबर है जो कबूतर पालने वाले, और काफ़ी ज़्यादा कबूतर पालते हैं यहाँ पे। लेकिन दोस्तों, हम कुछ दिन के लिए आए, खाली एक दिन के लिए, जो आमिर भाई ने स्पेशली बुलाया हुआ, क्योंकि दोस्तों जो एक दिन है, एक्चुअली ये तो कहते कि महीना भर ही रहो यहाँ पे घर ही बना लो वाकई में दोस्तों, क्योंकि इतनी अच्छी जगह है। लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जॉब वगैरह में, जॉब की छुट्टी लेके आया हो यहाँ पे। तो जो मेंबर है यहाँ के, सब कबूतरबाज, सब एक दूसरे को यहाँ पे, ऐसा नहीं कि तू ये कास्ट का है तू वो कास्ट का है, यहाँ पे कास्ट वगैरह कुछ मायने नहीं रखते। यहाँ पे सिर्फ एक ही मायने रखते, वो है इंसानियत। सब अलग अलग कास्ट के हो या कुछ भी कास्ट के हो, सब एक साथ बैठते हैं यहाँ पे नाके पे, और सब डिस्कस करते कि अपन कबूतरबाजी किस तरह करनी चाहिए, किस तरह नहीं, किसी को क्या बीमारी, अगर किसी का पकड़ा है कबूतर, भाई तेरा पकड़ा है, इसलिए तू लेके जा।
एकदम ईमानदारी, क्योंकि ये भाई ने कल एक कबूतर पकड़ा था आमिर भाई का, मेरे आंखों के सामने की बात है दोस्तों। ये कल एक्चुअली कबूतर इनके शाम के टाइम पे उड़ रहे थे, हाँ शिकरा, बाज, बेरी, जो हर कोई जगह पे अलग अलग नाम है। तो इनका कबूतर को एक बाज बेरी पकड़ रही थी, दो कबूतर में से एक कबूतर मिला और एक कबूतर सुबह आ गया, तो इन्होंने पकड़ा, इनके घर पे उतर गया। क्योंकि कबूतर क्या होता है, जब पकड़ते आसमान में तो कबूतर भाग 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 के कापे भी बैठ जाते हैं डर के मारे। तो इन्होंने पकड़ा और स्पेशली इनको कॉल किया, भी निकाल दी ना उसकी मार के, हाँ पूछ निकल गई और एक के पंजे पे वार हो गया। इतना है कि मतलब कुछ ज़्यादा मार नहीं लगा। और दोस्तों इन्होंने स्पेशली डायरेक्टली इनको कॉल किया, मतलब सबको कॉल किया, तो इनको के लिए हाँ तो डायरेक्टली बोले कि हाँ मेरा भागा हो, मेरा शिकरा ने पकड़ा, तो इन्होंने डायरेक्टली सीधा लेके आ गए। हके कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, जो आप इतना अच्छा नेक काम कर रहे हो, वाकई में दोस्तों आप भी ऐसे ही करो। हेलो दोस्तों, और मैं बोलना चाहूँगा कि दोराजी जो ऐसी जगह है, मुझे तो यहाँ पे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं यहाँ पे गाँव में आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक शहरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज़ की कमी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे खास करके मुझे ये अच्छा लगा कि सब लोग एकजुट रहते हैं, सब एकजुट मिलके रहते हैं। और प्लस थैंक यू सो मच आमिर भाई, इतनी अच्छी खातिरदारी की ना दोस्तों इन्होंने कि क्या कहूँ मैं, नाश्ते से लेके खाने से लेके प्लस बाहर का खाना प्लस घुमाना कि जूनागढ़ क्या होता है, प्लस दोराजी कैसी है, हमारी जगह वगैरह क्या है क्या नहीं, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे बार बार आऊँ, ज़रूर दोस्तों टाइम मिले तो ज़रूर मैं आऊँगा। प्लीज़ आपको कुछ कहना है? नहीं बस आकाश भाऊ आए और मेरा बस यही है कहना है, बार बार आते रहो। ज़रूर ज़रूर, पक्का ना भाई, बार पक्का, बार पक्का पक्का ज़रूर आऊँगा, बहुत अच्छा लगा। ओके दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, इतना एक्साइटेड, इतना खुशी, लाइफ में फर्स्ट टाइम कबूतरों के लिए खास गुजरात आया हूँ, क्योंकि मैं कभी मेरे गांव भी नहीं जाता हूँ, और स्पेशली आज यहाँ पे गुजरात आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। कबूतर वाकई में, कबूतर की वजह से जय कबूतर वाकई में। और कुछ आपको कुछ बोलना होगा? नहीं बस आकाश भाई बहुत बोल लिया वीडियो में, वो भी नहीं है, बस आते रहो भाई। जरूर जरूर जरूर, हमसे कोई भी भूल हुए नहीं, नहीं 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 कुछ भूल नहीं, थैंक यू। उल्टा मैं कहता हूँ अगर मेरा कुछ अगर मिस्टेक हुआ तो बोलो, बराबर 6 महीने से बुला रहे थे दोस्तों, लेकिन काफी मैं लेट आ गया, सॉरी उसके लिए, मैं सबके सामने सॉरी बोलता हूँ। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आके वापकई में, बहुत मजा आ रहा है। तो अभी मैं आज रिटर्न मुंबई आ रहा हूँ, तो ये स्पेशली वीडियो मेरा विजिट कैसा रहा कैसा नहीं, तो अभी मैं रिटर्न मुंबई आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। और ज़रूर हम रिटर्न आएंगे कभी दोराजी में, गुजरात में, राजकोट में, यहाँ पे। ओके दोस्तों, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताना वीडियो कैसी लगी। ओके दोस्तों, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय कबूतर, मस्त।